सो व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड, अगर किसी पर्सन को लॉस होता है, लॉस ठीक है ना, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? कंपनी और फॉर्म के लिए मैंडेटरी होगा। कंपनी फॉर्म के लिए मैंडेटरी है, जिसका फॉरेन में असेट है उसके लिए मैंडेटरी है, जिसका टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है उसको मैंडेटरी है, जिसका विड्रॉवल डिपॉजिट इन करंट अकाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है उसको मैंडेटरी है, जिसने फॉरेन टूर पे 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया उसको मैंडेटरी है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन 1 लाख है उसको मैंडेटरी है। मैं बता रहा हूँ नॉर्मली किसी इंडिविजुअल का लॉस हुआ है 10 लाख रुपए का, कोई एक इंडिविजुअल है उसका लॉस हुआ है 10 लाख रुपए का बिजनेस लॉस, तो क्या इसको रिटर्न भरना चाहिए, आरओआई भरना चाहिए? जल्दी बोलो, इज इट मैंडेटरी? टेल मी, शुड ही फाइल रिटर्न और शी शुड ही नॉट? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं पता सर। सेक्शन 139(1) तो कुछ नहीं बोलता, सेक्शन 139(1) के हिसाब से तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना, अगर बिजनेस लॉस है और करंट ईयर में इसने सेट ऑफ नहीं लिया तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है? कैरी फॉरवर्ड। कैन ही कैरी फॉरवर्ड लॉसेस विदाउट इंटीमेटिंग टू गवर्नमेंट? इमेजिन, क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कैसे करेंगे? अगर गवर्नमेंट को ही आपने नहीं बताया कि लॉस हुआ है, तो उसका जो टाइम फैक्टर होता है ना 8 ईयर का, 4 ईयर का, वो कैसे काउंट होगा? और कैसे आगे जाके क्रॉस चेक होगा कि कौन से ईयर में आपको लॉस हुआ था? देयरफॉर इवन लॉस रिटन इज मैंडेटरी, बट दैट इज नॉट रिटन इन सेक्शन 139(1), इट इज रिटन इन सेक्शन 139(3) और सेक्शन 80 करके जो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, उसमें भी बोला गया इफ यू विश टू कैरी फॉरवर्ड सर्टेन लॉसेस देन यू मस्ट फाइल रिटर्न, एंड दैट रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट गिवन अंडर सेक्शन 139(1). मतलब 139(1) की जो ड्यू डेट है, क्या ड्यू डेट बता दोगे क्या जरा प्लीज? जनरल केस 31 जुलाई, ऑडिट एसएससी वाला 30th सितंबर, और और 31 नवंबर। रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना रहेगा तो 30th नवंबर। ओके, तो ये सारे रिटर्न सेम ही, इसके ड्यू डेट भी 139(1) के भी वही, 139(3) के भी वही ड्यू डेट है। तो फटाफट अपने बुक में हेडिंग दे दो, सेक्शन 139(3) लॉस आरओआई, मैंडेटरी टू फाइल लॉस रिटर्न, ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है टू फाइल आरओआई विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). ये देखने जैसी बात है, क्योंकि 139(3) में अपने कोई ड्यू डेट नहीं है, तो ड्यू डेट्स आर गिवन अंडर सेक्शन 139(1) ओनली। सर क्यों मैंडेटरी है? टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी लॉस के लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब अगर आप बी लेटेड रिटर्न भी भरोगे तभी भी आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आफ्टर ड्यू डेट भी अगर रिटर्न भरा ना आपने तभी भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन के ऑब्वियसली वो दो छोटे भाई होते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एंड अनअब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग, दे हैव सेम ट्रीटमेंट इन द लॉ लाइक अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। आपको याद है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का हमने एक टेबल बनाया था, उसमें देखो ना सारे कॉलम में हमने यस 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 लिखा हुआ है और एक एक कॉलम में नो लिखा है। सेट ऑफ एंड कैरी हाउस प्रॉपर्टी का ही है, हाउस प्रॉपर्टी का ही है वो 71B। हाँ, उसके सामने नो लिखा है, बाकी सामने यस लिखा हुआ है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी। तो अब वो हमने दोनों जगह पे लिंक करके रखा है, 139(3) और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को हमने ऑलरेडी लिंक करके रखा हुआ है, अभी खाली बता दिया मैंने। चलो लिखकर हो गया, इज इट डन? नो सर, वेट। ओके,
चलो मॉड्यूल में से पेज नंबर 498 पर ये सेक्शन है सॉफ्ट कॉपी के हिसाब से। कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड करने होंगे तो रिटर्न मैंडेटरी होगा, तो बिजनेस लॉस, देखो बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉसेस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस, दैट इज 35 AD। फिर क्या बता रहा है, लॉस इन बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। बिलेटेड रिटर्न मतलब रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है ना। डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न कैन बी कंडोन इन सर्टेन केसेस, ये असेसमेंट प्रोसीजर में आप पढ़ोगे, सीबीडीटी को पावर है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इवन इफ लॉस रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ऑल्दो लॉस ऑफ करंट ईयर कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, ऑल्दो लॉस ऑफ करंट ईयर कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड अनलेस द लॉस रिटर्न इज सबमिटेड विद इन द ड्यू डेट, but the earlier losses can be carried forward if the return of that year was submitted within the time। ये क्या बता रहा है, year one में मुझे loss हुआ और यहाँ पे मैंने ROI भी भर दिया था time पे, ROI time पे भर दिया था, year two में भी मुझे year two का भी ROI time पे भरा था, year three का ROI time पे नहीं गया, तो year three का जो loss होगा वो carry forward नहीं होगा, ईयर थ्री का जो लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन ईयर वन का लॉस ईयर फोर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो तो आपने पहले वाला जो रिटर्न है वो तो टाइम पे भर दिया था, इसलिए उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दिया। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट बात जो करनी है वो करनी है, क्या 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरा जा सकता है, मतलब ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है, मैं आपको वो पूछ रहा था, इज इट पॉसिबल? यस। लेकिन क्या भरना पड़ेगा अभी, क्या पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? कितना? लेट फी। कितना कितना? 1000। अगर इनकम 5 लाख के नीचे है तो। हाँ ओके। और नॉर्मल केस में फाइल के ऊपर रहा, अगर 31 दिसंबर तक नहीं किया रिटर्न तो 5000, और उसके अनदर केस में डायरेक्ट 10000, ठीक है, मतलब 31 दिसंबर तक 5000, उसके बाद आपका 10000 का फीस होता है, लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल होता है, लेकिन बिलेटेड करने का भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए ना, ऐसे नहीं ना कि आप 2012 का रिटर्न 2020 में भर रहे हो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि सर आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 139(4) में ROI फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) इज नोन एज बिलेटेड रिटर्न, जो फाइल होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में, ठीक है ना। और इसका ड्यू डेट क्या है, तो उन्होंने बोला ड्यू डेट विल बी 139(1)(4) में, जो 139 सबसेक्शन 4 में क्या ड्यू डेट है, एंड ऑफ ROI। एंड ऑफ ROI मतलब ROI कब खत्म होगा आपका, जल्दी बोलो आपका AY कब खत्म होगा, एग्जैक्ट डेट बताओ मुझे आपके AY का, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। 31 मार्च 2021 पे आपका AY खत्म होगा, तो अभी जुलाई चालू है, 31 जुलाई पे नहीं भरा तो चलेगा, अगस्त में भरो, सितंबर में भरो, अक्टूबर में भरो, नवंबर में भरो, दिसंबर में भरो, लेकिन 5000 के पीक फीस के साथ भरो। सर दिसंबर के बाद भरना है तो भर सकते हो ना, जैन में भरो, फेब में भरो, मार्च में भरो, लेकिन 10000 की फीस के बाद। सर मार्च में भी नहीं भरा, मार्च में नहीं भरा तो आप अभी भर ही नहीं सकते, ठीक है ना, अभी भर ही नहीं सकते, फिर डिपार्टमेंट जब आपको नोटिस शायद देगा तो नोटिस का रिप्लाई में आप भर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आप नहीं भर सकते, आपका राइट चला जाता है भरने का। या एंड ऑफ असेसमेंट, कुछ कुछ असेसी हाई लिस्ट पे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेड लिस्ट पे होते हैं गवर्नमेंट के ना, ऑब्जर्वेशन में होते हैं कि इस असेसी का रिटर्न तो आना ही है, तो आपके उस एओ का कोई बिल्डर होता है उस एरिया का, या ज्वेलरी शॉप होता है, उसको पता होता है कि इसका रिटर्न तो आना है और इसका रिटर्न मुझे ओपन करना है, लेकिन वो बंदा अगर रिटर्न ही नहीं भरता तो गवर्नमेंट के पास भी एक सेक्शन, आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा आपको, सेक्शन 144 नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इसको बेड जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं। बेड जजमेंट असेसमेंट में क्या होता है, क्या खासियत है कि डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है विदाउट योर रिटर्न। यूजुअली असेसमेंट करने के लिए रिटर्न भरना बहुत जरूरी है, लेकिन 144 बोलता है कि रिटर्न नहीं भी होगा ना, उसने असेसी ने अगर कॉपरेट नहीं भी किया ना, तभी भी डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर सकता है
ऐसी बात यहाँ पे 144 में लिखी है। अब मुझे बताओ डिपार्ट आपने रिटर्न नहीं भरा जुलाई पे, आपने रिटर्न नहीं भरा अगस्त पे, सितंबर पे, अक्टूबर पे, नवंबर पे नहीं भरा और डिपार्टमेंट ने दिसंबर में आपका असेसमेंट करना चालू कर दिया। अब डिपार्टमेंट में जब असेसमेंट करना चालू कर दिया अब रिटर्न क्या भर के क्या फायदा, अब तो डिपार्टमेंट के सामने आमने सामने जो भी बातें होंगी वो आप कर लेना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आइदर एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और एंड ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, इसके पहले ही आप भर सकते हो आपका बिलेटेड रिटर्न। लिखो 139(4). बाय डिफॉल्ट केसेस में ये वाला लगता है, स्पेशल केसेस में ये वाला डेट कंपेयर होता है। बताना क्या था कि 31 मार्च के बाद इन नो केसेस यू कैन फाइल योर बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4). सर वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में तो लास्ट में यूएडी लिखा है, वो क्या है? अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। अच्छा डन, यस सर। चलो नेक्स्ट मॉड्यूल से देख लेते क्या बोलता है इस सेक्शन के बारे में। 139(4) क्या क्या बोलता है, if the assessee fails to file return within the time limit given under section 139(1) or within the time allowed under the notice, he can file the belated return. Time limit क्या होगा, before the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment that is under section 144 whichever is earlier. However, if assessee files a belated return, he would be liable to pay liable to fees for under section 234F and interest under section 234A. मैंने बताया आपको 1% per annum का होता है, per month का होता है। State देखो क्या बोलता है, state the time allowed under section 139(4) to submit the belated return for previous year 19-20 in following cases. No assessment is made under section 144. बताओ assessment why नहीं, तो कौन से date पे भर सकते हैं belated return maximum? End of assessment. End of assessment year मतलब 31st March 2021, ठीक है ना, date बताना है। Assessee failed to respond to notice under section 142(1). एक notice आया था department से, department ने बोला आप अपना return please भर दो, हम आपका wait करें, और फिर भी assessee ने क्या नहीं किया, reply नहीं किया। Served on 5th November 2020, time allowed in such notice to submit the return is 5th December 2020. बट नो असेसमेंट इज मेड, अभी भी असेसमेंट नहीं हुआ, असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, खाली नोटिस आया था, असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो कब तक भर सकता है ये? मार्च रेलेवेंट ईयर 31 मार्च तक ही भर सकता है। असेसी फेल टू रिस्पॉन्ड नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), यहाँ पे डिपार्टमेंट मांगता है आपसे, रिक्वेस्ट करता है कि सर हम आपकी नोटिस रिटर्न का वेट कर रहे हैं, प्लीज रिटर्न भरो। सर्वड एज ऑन 5th November, भर दिया। टाइम अलाउड इन सच नोटिस इज 5th December. An assessment is completed under section 144 as on 7 March 2021. अब बताओ 7 March को तुम्हारा assessment ही खत्म कर दे department, क्योंकि तुमने reply नहीं किया हो। 144 हुआ मतलब assessor ने reply नहीं किया। जल्दी बोलो क्या लगता है आपको? Whichever is earlier मतलब 7 March 2021. Okay. Assessee failed to respond to notice under section 142(1). Served on 5th November. Time allowed in the notice is 5th December. An assessment under section 144 is completed on 7th March 2021. However, assessee has received the assessment order as on 5th April 2021. Oh, assessment order kab received kiya, usse lena dena nahi. Assessment complete kab hua? 7th March 2021. Whichever is earlier, to 7th March aata. Is it fine? बोलो यस सर। हाँ ये 142 क्या है, 144 क्या है वो नहीं समझा होगा तो उसके लिए वेट करो, नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अनाथ आश्रम, इनको रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा कि ऑप्शनल होगा? ये जल्दी बोलो, अभी अंडरलाइन करने का टाइम आ चुका है आप लोगों का। ट्रस्ट को रिटर्न भरना मैंडेटरी होना चाहिए कि ऑप्शनल होना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? मैंडेटरी मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, देयर आर स्पेशल एग्जम्पशन गिवन टू दिस पर्टिकुलर चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके ऊपर हमारा वॉच होना चाहिए, हमारा मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वॉच होना चाहिए, इसलिए उनको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। लेकिन वो मैंडेटरी तभी है जब उनका इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब अगर ट्रस्ट है नॉर्मली तो 2.5 लाख के ऊपर अगर होगा तो ये आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा, ठीक है ना? बस इतना ही अंडरलाइन करो, ये जो वर्ड है ना अंडरलाइन मैंने किया वो भी आप लोग भी अंडरलाइन करो प्लीज। एंड बिफोर अलाउिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, एग्जम्पशन देने से पहले ही हमें देखना है, वो नहीं कि हमने बोला था डिडक्शन देने से पहले, नॉर्मल एसएससी को डिडक्शन देने से पहले, ट्रस्ट को एग्जम्पशन देने से पहले। ग्रॉस टोटल इनकम ना, एक मिनट नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर उसने रिटर्न नहीं भरा टाइम पे तो उसको 100 रुपीज पर डे का पेनाल्टी लगता है, लेकिन पेनाल्टीज आपके सीए में इंटरमीडिएट के सिलेबस में यूजुअली नहीं आते, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है तो आप ध्यान दे सकते हो कि पेनाल्टी लग सकता है, जाने दो। वैसे ये पॉलिटिकल पार्टी से रिटर्न भरवाएंगे कि नहीं मैंडेटरी, जल्दी बोलो, पॉलिटिकल पार्टी से रिटर्न भरवाएंगे कि नहीं? बिल्कुल भरवाएंगे, लेकिन उनको अपने एग्जम्पशन पड़ा था, याद आ रहा है 13A में पॉलिटिकल पार्टी का और इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट का एग्जम्पशन पड़ा था हमने सेक्शन 13A में, याद आ रहा है क्या? स्पेशल एसएससी में पढ़ा था अभी हमने, पॉलिटिकल पार्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता है, नहीं याद आ रहा है? डोनेशन आता है तो एग्जम्प्ट होता है, मैंने बोला था 2000 के ऊपर अगर डोनेशन होगा तो पूरा डिटेल रखना जरूरी है, सॉरी 2000 के ऊपर कैश में नहीं ले सकते, कैश का 2000 का है, 20,000 के ऊपर अगर डोनेशन आता है तो पूरा उनका डिटेल रखना, तो ये ऐसा हमने पढ़ा था, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट के पास पहुंचनी चाहिए, तो उन्होंने बोला अगर उनका अमाउंट अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है बिफोर गिविंग एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 13A तो उनको रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। रिटर्न ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, याद आ रहा है आपको रिसर्च एसोसिएशन की दुनिया भर के थे हम लोगों ने पढ़ा था, रिसर्च एसोसिएशन या ATG में बहुत सारे हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? उनको रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा क्या? हाँ सर, उनको भी मैंडेटरी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे हम कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ पे बहुत सारी उन्होंने बॉडीज लिखी है, तभी मैंडेटरी है सर। ऑब्वियसली अगर उनका इनकम एक्सीड बिफोर गिविंग एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 10 उनका इनकम एक्सीड होता है, ठीक है ना, अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जाता है तो, और अगर नहीं भरा टाइम पे तो क्या कर लेंगे, 100 रुपीज पर डे का पेनाल्टी लेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट है 139(40), यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर इंस्टीट्यूशन रेफर अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, याद आ रहा है रूसी, स्टैटिस्टिकल रूसी एंड साइंटिफिक रूसी, ठीक है ना? तो इनको तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ इनकम और लॉस, मतलब 1 रुपए का इनकम भी होगा या लॉस भी होगा तभी भी उनको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। वैसे यहाँ पे लिखा गया है इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट करके कॉन्सेप्ट है, फाइनल में आके पढ़ोगे आप लोग, तो यूजुअली ट्रस्ट जो होता है वो चैरिटेबल होता है, ये जो ट्रस्ट होता है वो बिजनेस करने के लिए बनाया जाता है, तो बिजनेस ट्रस्ट होता है, कमर्शियल ट्रस्ट होता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए इन्होंने किया गया था, इट्स वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ट्रस्ट, उनको भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है, और एक इन्वेस्टमेंट फंड है उनको भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो 139(4)(e)(4)(f), तो आपको याद क्या रखना है मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल, ठीक है ना? यहाँ पे 139(4)(a) है, 4B है और 4C है, इनमें है ना रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है, ROI मैंडेटरी होता है इन तीनों सेक्शन में, व्हेन योर इनकम बिफोर एग्जम्पशन, व्हेन योर इनकम बिफोर एग्जम्पशन एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो अगर आपने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा कमाया तो ही इन तीन सेक्शन में मैंडेटरी होता है, नहीं तो ऑप्शनल होता है। और जो सेक्शन 139(4)(d), 4E और 4F है,
इसमें बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है। तो ये आपको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइफ में गलतियां होती है कि नहीं आप लोगों की, बोलो, लाइफ में आप मिस्टेक करते हो कि नहीं? करते हैं ना सर, करते जरूर करते हैं, आप करते हो, मैं करता हूँ, सब लोग करते हैं, मिस्टेक तो सबसे होती है, ठीक है ना। तो मिस्टेक किया तो क्या बेशर्म की जैसे वैसे ही रहने का, कि हाँ वो तो गलती होती है, सबसे होती है, सॉरी बोलने का, हाँ सॉरी बोलने का, करेक्टिव एक्शन लेने का। अच्छा सॉरी खाली बोलने का कि उसको अप्लाई भी करना चाहिए लाइफ में? अप्लाई भी करना चाहिए, अप्लाई भी करना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा जब अपनी खुद की गलतियां होती है तो आप अपने आप को माफ करते हो कि नहीं? क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, उसमें क्या है? एक मिनट, मैंने अपने आर्टिकलशिप में दुनिया भर की गलतियां की है, इतनी इतनी गलतियां की है ना कि मेरे प्रिंसिपल ने कभी कभी मॉनेटरी लॉस भी सफर किया है। द हाइएस्ट मॉनेटरी लॉस दैट आई हैव कॉस्ट टू माई प्रिंसिपल इज 25 लाख, ठीक है ना। अब उसमें मेरी गलती है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सर ने ब्लेम किया था मेरे पे कि तेरी गलती है। क्यों मेरी गलती है? क्योंकि एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना चाहिए था हमारी कंपनी का, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स मुझे आता था, तो इट वॉज काइंड ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुझे अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पता है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लेना चाहिए था। क्योंकि हमने, हमारी कंपनी ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं लिया था, गवर्नमेंट का एक सब्सिडी आया था 5% का, वो सब्सिडी हम नहीं ले पाए हमारे टर्नओवर के ऊपर, और हमारे कंपनी का टर्नओवर तभी 5 करोड़ के आसपास हो चुका था। तो 5 करोड़ का 5% हमें मिलता अगर हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस होता तो, लेकिन हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं लिया। तो ये तो मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती बता रहा हूँ, जिसमें मेरा रोल था भी और नहीं भी, बींग अ टैक्स कंसल्टेंट, बींग द यू नो टैक्स एडवाइजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज काइंड ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे बॉस ने तो ना, मैं अगर मेरे बॉस की जगह पे होता ना, तो मैं तो ना चाकू लेके मार देता मेरे ऑडिटर। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे खाली फोन किया, थोड़ा सा डाटा मतलब थोड़ा हाई टोन में बात किया कि दिस इज नॉट डन राम, आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू एंड डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, इतना बोल के उन्होंने फोन रख दिया। तो दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज आर देयर इन माय लाइफ, जिनको इतने बड़े बड़े लॉस है, जिनकी लाइफ में मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की है, दे हैव फॉरगिवन मी, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट। तो उसमें आई एम नॉट ग्रेट टू बी फॉरगिवन, ठीक है ना, ही इज द वन हु इज द ग्रेट। तो जो माफी करता है ना वो बड़ा होता है, वो याद रखो। तो गवर्नमेंट भी आपको बोलता है कि रिटर्न भरने के टाइम पे गलतियां हो सकती है कि नहीं, जल्दी बोलो, आरओए जब आप भरते हो तो मिस्टेक हो सकती है कि नहीं, बोलो। अभी आर्टिकलशिप में जाओगे, रिटर्न भरना चालू करोगे, मिस्टेक होगा कि नहीं? हो सकता है ना। तो आरओए भरने के टाइम पे भी मिस्टेक होता है, ठीक है ना, वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का मौका आपको मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये सेक्शन लिख लो प्लीज। तो सेक्शन 139(5) रिवाइज आरओए, व्हाई डू वी फाइल रिवाइज आरओए? टू रेक्टिफाई मिस्टेक एंड ओमिशन। फ्रॉड किया तो रिवाइज नहीं कर सकते आप, मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, भूल गए हो कुछ रिकॉर्ड करना तो आप कर सकते हो ना। अब गलती किस में हो सकती है? तो गलती हो सकती है 139(1) में आपने जो वैलिड रिटर्न भरा था उसमें, तो वो रिवाइज हो सकता है। गलती हो सकती है 139(3) के रिटर्न में, जिस जो लॉस रिटर्न आपने भरा था उसको रेक्टिफाई करना पड़े। या गलती हो सकती है इवन 139(4) में, 139(4) मतलब बिलेटेड रिटर्न में, एक जमाना था 2018 के पहले जब बिलेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकते थे, अभी फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स यू कैन ऑल्सो रिवाइज बिलेटेड रिटर्न, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 139(4) बिलेटेड रिटर्न ऑल्सो कैन बी रिवाइज, तो ये आप याद रखो। सर रिवाइज रिटर्न रिवाइज हो सकता है क्या? क्या लगता है आप लोगों को? रिवाइज करने गए रिटर्न, पहली गलती सुधारने गए और नई गलती कर बैठे, ऐसा हो सकता है क्या? जल्दी बोल लाइफ में, यस सर, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने 139(5) का भी रिटर्न रिवाइज करने बोला हुआ है कि आप 139(1) का भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, 3 का भी और 4 का भी और 5 का भी। इसका मतलब जितने भी रिटर्न हमने अभी तक बात किए सारे के सारे रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं, ठीक है ना सर। रिवाइज करने का, लेकिन गलती सुधारने का एक टाइम लिमिट होना चाहिए ना। आप किसी को जाके 4 साल पहले की गलती के लिए अभी जाके सॉरी नहीं बोल सकते ना, 4 साल पहले मैंने तुझे कुछ बोला था अभी सॉरी आप, तो उसका एक टाइम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये बात आपकी हो गई, ये नया सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन था हमारा, ओके। रिवाइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है।
जब ये रिवाइज करोगे तो ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस किया जाता है, ये रिप्लेसमेंट माना जाता है ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ रिवाइज रिटर्न, यस रिवाइज रिटर्न कैन बी अगेन रिवाइज, रिवीजन ऑफ बिलेटेड रिटर्न भी पॉसिबल है, लॉस रिटर्न भी पॉसिबल है, हाँ। लेकिन जो नोटिस के अंदर आपने रिटर्न भरा था 142(1) में जो नोटिस आता है उसका जो रिटर्न आपने भरा था वो रिवाइज नहीं हो सकता। असेसमेंट में जाने के बाद जो आपका असेसमेंट चालू हो जाता है उसके बाद, तो जो भी बोलना होगा डिपार्टमेंट के साथ बोलो। अच्छा, गलती अगर आपको पता चली तो आप रिवाइज कर सकते हो, गलती अगर डिपार्टमेंट को पता चली तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता है कि सर आपके रिटर्न में डिफेक्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको गलती पता ही नहीं चली, डिपार्टमेंट को गलती पता चल गई। जल्दी बोलो। यस यस। तो जब डिपार्टमेंट को गलती पता चल जाएगी तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा और टाइम पीरियड देगा, आपका एओ आपको बोलेगा कि इतने इतने पीरियड में आपको क्या भरना हुआ है, आपका रिटर्न में डिफेक्ट जो है उसको रेक्टिफाई करना है, वो होता है 139(9) में। तो ये पढ़ लेना एक बार, इसमें 15 डेज का टाइम लिमिट आता है, ठीक है ना। मैं खाली वो बता देता हूँ कि कितने टाइम में करना होता है। 15 डेज किधर दिख रहा है आप लोगों को? 15 डेज टाइम लिमिट, हाँ। ये पॉइंट लिमिट के अंदर, ये टाइम लिमिट याद रखना आपको, ये यूजुअली एरर को रेक्टिफाई करना होता है 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। आपको नोटिस जब आती है उसके बाद विद इन 15 डेज आपको रेक्टिफाई करना होता है। सर 15 डेज में रेक्टिफाई नहीं किया तो कोई नहीं, डिपार्टमेंट फिर से आपको मौका दे सकता है। ऐसे 2 या 3 बार मौका देने के बाद डिपार्टमेंट आपको मौका नहीं देता, आपका रिटर्न डिफेक्टिव डिक्लेयर किया जाता है। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा सर? डिफेक्टिव रिटर्न इज इक्वल टू, ये समझ रहे, डिफेक्टिव रिटर्न इज इक्वल टू इनवैलिड रिटर्न, ये लिख के रख देना इधर किधर। तो डिफेक्टिव रिटर्न इज इक्वल टू इनवैलिड रिटर्न, और इनवैलिड रिटर्न इज इक्वल टू नो रिटर्न। माना जाएगा कि आपने कोई आरओआई भरा ही नहीं है और पहले उन्होंने बहुत सारे डिफेक्ट लिखे हुए, उसका इतना काम नहीं है अभी लिखा गया, क्योंकि अभी डिफेक्ट अगर होगा ना तो हम जो भी रिटर्न भरते हैं यूजुअली वो इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू भरते हैं, तो सॉफ्टवेयर खुद ही हमें बता देता है कि ये गलत हुआ है, ये आपका पॉइंट है, इसको आप रेक्टिफाई करो। तो अभी के सॉफ्टवेयर जो एडवांस हो चुके हैं तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रोविजन है लॉ में कि डिफेक्टिव रिटर्न अगर होगा तो रेक्टिफाई हो सकता है। लॉग आउट होने वाला है, आप प्लीज रीलॉग इन कर लेना इमीडिएटली, ठीक है ना। मैं इमीडिएटली स्टार्ट कर रहा हूँ विद इन 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे लॉग इन करने के लिए, तो उतना करेंगे और सेक्शन 140 पढ़ना बाकी है इस चैप्टर का, तो 140 पढ़ के फिर आगे चले जाएंगे। इमीडिएटली हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।